नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। आप लोग का बड़ा शिकायत रहता था कि सर ऑडियो खराब आ रहा है, वीडियो खराब आ रहा है, तो चलिए टेस्टिंग करते हैं। आज बड़ा दिन भर मेहनत किया हूँ, कैसा लगा आपको आज का जो वॉइस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ठीक है? आपको कमेंट में बताना है कि आज का जो वॉइस है या आज की वीडियो क्वालिटी कैसी लगी आपको, ये बताइएगा। तो देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है जो कि कल की वीडियो में हमने पढ़ाया भी था। सवाल है कि 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक पर 10 जीरो है, इन सब के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? बीच में डॉट डॉट है, जरा गौर करना कि पहले तो एक पर 1 जीरो, तब 2 जीरो, फिर 3 जीरो, आगे रहा होगा एक पर 4 जीरो, फिर एक पर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, इसी तरह करते करते लास्ट में एक पर 10 जीरो हो गया है। इन सब को जब गुना किया जाएगा तब बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, लेकिन जो संख्या आएगा उसके अंतिम में कितना जीरो है यही तो बताना है। तो आइए, ऐसे सवाल को हम चुटकियों में बना सकते हैं, एग्जाम में कैसे बना सकते हैं जरा गौर करिए। कभी तो आप गुना किए होंगे, अरे आज न तो कल, कभी ना कभी तो आप किए होंगे। सोचिए 10 और 100 को गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 हुआ, ऐसे सोचते हैं कि 1 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, आएगा 3 जीरो, आएगा कितना जीरो, 3 जीरो। यानी आपने क्या किया, 1 जीरो इसका लिया, 2 जीरो इसका लिया, जोड़ लिया 1 प्लस 2 कितना, 3 जीरो, इसीलिए लास्ट में आपने 3 जीरो बैठा दिया। अगर आपसे ऐसे दिया जाता 10 गुना 100 गुना 1000, कहता कि इन सबको गुना करने पर अंतिम में कितना जीरो होगा, तो सुनिए ये 3 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 5 जीरो और 1 जीरो, लास्ट में 6 जीरो आएगा, लास्ट में 6 जीरो आएगा, एक 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 होगा, लेकिन कुछ तो अंतिम से कितने जीरो, तो 6 जीरो। तो लीजिए ये सवाल भी बना चुके आप, देखिए इसका आएगा 1 जीरो, इसका वाला 2 जीरो, इसका वाला 3 जीरो, इसी तरह दस दस दस, लास्ट वाला आएगा 10 जीरो, सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात पता है आपको कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? अरे 1 से लेकर कहीं तक के, मतलब n तक के प्राकृत संख्या का योग होता है n into n+1/2, यही तो फॉर्मूला होता है। n का मतलब होता है कि लास्ट वाला नंबर, लेकिन वो 1 से शुरू होना चाहिए प्राकृत संख्या। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, 1 से 10 तक ज्ञाना, तो n की जगह 10 आ 10 प्लस 1 तो कितना 11, आ बट्टा 2 से काटे 5 बार में 11 5 कितना हुआ 55, तो 55 जीरो होगा, ऑप्शन डी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आसान है, तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। चलिए केवल मुझे ये बताइए कि आज का वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए काटिए जरा इसको।